एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है हिमानी भंडारी है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमा ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे में और मैं बनाती हूँ पहले रोटी, तो उसके बाद आगे आगे दिखाती हूँ। दोस्तों, अभी रोटी फाइनल हो चुकी है, ये लास्ट है। उसके बाद करते हैं छोटा मोटा काम, और झाड़ू वगैरह तो सब हो गया है, तब नाश्ता करेंगे। सब मारते हैं चौक का झाड़ू, जहाँ पे हमारी गायें रहती हैं। सब घास बिखरी हुई है, तो इसको इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो अभी लगा है कोहरा, एकदम पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये हमारे जो ककड़ी की बेल वगैरह लगी हैं, तो बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो रही हैं अब थोड़े थोड़ा करके, क्योंकि ककड़ियाँ अगर हो भी रही है ना, तो वो अजीब सी हो रही है। और ये सारे गलने लग गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सारे मिर्च सुखाने के लिए डाल रखे हैं, क्योंकि कल शाम को ये छत में ही थी, क्योंकि दिन में धूप लगी थी और शाम को बारिश आ गई थी, और मम्मी नीचे लाना भूल गई, तो अब ये यहाँ पे सूख रही हैं। थोड़ा बहुत जो मेरे कमरे में जो रायता फैल रखा है, उसको समेटते हैं पहले। और दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए मम्मी के पास। मम्मी ने फ़ोन किया है कि घास लेने आ जाए, क्योंकि भारी हो गया है, तो मैं जा रही हूँ अभी। मैंने यार कर रहा हूँ नहीं कर ही ना भी कर तुम्हारे फाल गया ये सब पूरी रात को ये याद कहा नहीं वो इधर क्या दिख रही है ये मेरे पास है अभी तीन पूरी और ये तीन पूरी भी इतनी भारी हो रही है क्योंकि मैंने दो बोली हुई है कि पूरी बना रही है ये इतना सा है ये दिख रहा होगा जितना भी है तो अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ तो दोस्तों, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। थोड़ी देर में बताती हूँ मतलब कि वीडियो के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी मैं निकलती हूँ घर से, तो दिखाती हूँ आपको। मैं निकल चुकी हूँ घर से, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो गया है, धूप लग गई है। सुबह बारिश हुई थी पर अभी धूप लग गई है, तो मैं दिखाती हूँ आपको पहले बाहर का मौसम। बाहर गई हुआ तो इस तरीके से मौसम हो गया है, और मैं निकल रही हूँ, तो मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों, आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं जा रही हूँ श्रीनगर अपनी बहन के साथ, और बैंक में थोड़ा काम है, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो मैं जहाँ पे उतरी हूँ, मैं गोला बाजार पर उतरी, और वहाँ पे से मैं पैदल जा रही हूँ बस अड्डे की साइड। तो अभी जाती हूँ मैं अपनी बहन के पास, फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ पे मिल चुकी है मेरे को मेरी बहन, इसने बैंक का सारा काम निपटा दिया था। तो अभी हम आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में, तो यहाँ से शॉपिंग करके जाएंगे। हाँ, ले लिए सर, बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ शॉपिंग में आके? ये सेल चल रही है दोस्तों सर्दियों पे। कितने में? 199। 1% है चिकन जी। नहीं, पास नहीं, तू ले ले।
यहाँ पे शॉर्ट्स देख रहे हैं मिस्टी के लिए। ये तो ले ली एक, दोस्तों अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में। नीचे वाले फ्लोर में तो हम घूम गए पर अभी हमने सामान नहीं लिया, एक शायद जीन्स वगैरह है ना। हाँ शायद यहाँ तो सब बॉयज कलेक्शन है। और दो वहाँ पे दिख रही हैं हम, और ये मोटी हमारे बीच में बेचारी हेट भी नहीं पा रही है ठीक से। पैर में दर्द गाइस, मेरे पैर में दर्द हो रही है, इसके खुट्टे में कील चुभी हुई है और मैं बहुत ही ज़्यादा। और ये थर्ड फ्लोर में है, इसमें है बैग्स का कलेक्शन और चश्मे हैं। बैग्स 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 बैग्स, शूज़ का भी है। और दोस्तों इधर उधर घूमने के बाद भी हमें कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही हैं। ये जितना बड़ा है ना, हाँ पहले हमने उठा लिया ये चप्पल जो कि मुझे पसंद आई, पर मेरे पास में 6 नंबर आ रहा था और ये बड़ा नंबर है क्योंकि 6 नंबर का 1, 6 और 5 हो रहा था। तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स आर्टिफिशियल हैं सारे, और यहाँ से दिखता है बाहर का व्यू। तो अभी तक हमने कुछ लिया नहीं है, बस चप्पली चप्पली है। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या लेते हैं। यहाँ पे है ग्रोसरीज का सामान, एप्पल लेना है। ये है कौन सा फ्लोर, फोर्थ? हाँ एप्रन लेना है। क्या होता है यहाँ पे बन रहा है हमारा बिल, और बिल आया हमारा कुछ ज़्यादा ही, सामान थोड़ा सा और बिल इतना ज़्यादा। सामान हमने थोड़ा सा लिया और लुट्टा लुट्टी मचा दी इसमें विशाल मेगा मार्ट ने। और अब हम प्लीज़ को भी मताना, यहाँ पे पैसे बर्बाद और टाइम बर्बाद। टाइम का भी पता नहीं चलता, 2 बज गई है। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं घर पे और बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आज पता नहीं बसों की हड़ताल थी शायद, तो इसलिए बस नहीं आ रही थी। और जैसे हमने मतलब सामान वगैरह सारा ले लिया था, उसके बाद तुरंत ही हमें एक मैक्स मिल गई थी और वो पौड़ी आ रही थी। तो हमने उसको आवाज़ लगाई कि आप पौड़ी जा रहे हो, तो उसने बोला कि हाँ मैं पौड़ी जा रहा हूँ। तो मतलब लकीली हमारा किस्मत अच्छी थी कि हमें मतलब टैक्सी मिल गई ना, अगर नहीं मिलती ना तो आज हम पता नहीं कब तक श्रीनगर पर खड़े रहते। और मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर उसको भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर मतलब किस्मत अच्छी थी कि हमें गाड़ी मिल गई। बाकी अब मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और अब 4:30 हो गई है, और अब थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के, तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, उसके बाद आगे आगे पता नहीं क्या क्या होता है। बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।